सो हे गाइस, दिस इज अनुप जोपी। और गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम देखने वाले एक और सोलो कॉन कर रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं डायमंड 5 पे, और कल मैंने गाइस इवन जो इवेंट वाला मोड था वो भी खेला, बट लॉबीज कुछ खास नहीं आ रही गाइस। जो इवेंट वाला मोड है और जो नॉर्मल रैंक वाले, दोनों में सेम टाइप की लॉबीज आ रही। मतलब कोई भी मोड खेलो तुम, कुछ फ़र्क नहीं, बस लीग का डिफरेंस है गाइस। अगर मैं लीग थोड़ा और ऊपर बढ़ा लॉबी, समझो अगर डायमंड 4 डायमंड 3 तक पहुँच जाऊँ ना, तब शायद से मेरे को अच्छी वाली लॉबीज मिलेंगी। जो इंटेंस फाइट्स वाली लॉबीज होती है वो मेरे को मिलेगी। अभी ये ऐसी ही लॉबीज मिल रही है, ज़्यादा अच्छी लॉबीज नहीं मिल रही, इसलिए मैं ज़्यादातर हॉट ड्रॉप्स कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे गाइस मैं उतरा था मिलिट्री बेस पे, यहाँ पे उतरने में मेरे को थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था। मैं जब ग्लाइड कर रहा था उसी टाइम मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया, इसलिए मेरे को आने में थोड़ी देरी हो गई। और यहाँ पर मैंने लूटपाट की, उसके बाद मैं टावर देख रहा था क्योंकि टावर पर बंदे चढ़े थे। वहाँ पर मैंने देखा था कि उतरते टाइम कि एक बंदा आया था वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे टावर पे एक बंदा दिखाई दिया था, और वो बंदा थोड़ा कवर में था इसलिए मैंने वेट किया, और तभी एक बॉट आ जाता है और उसको मारने की मैंने कोशिश की उस बॉट को, बट वो किल उस बंदे ने ले लिया और बंदे को हमने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे एक किल अपना सिक्योर हो चुका था। यहाँ पे जाके उसकी क्रेट लूट ली, यहाँ से मेरे को एक फ्लेयर गन मिल जाती। भाई फ्लेयर गन काफ़ी ज़्यादा मिल रही गाइस आजकल मेरे को, तो यहाँ पे एक और फ्लेयर गन मिल चुकी थी और मैंने सोचा इससे भाई BRDM ही मंगवानी है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अभी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी गाइस सी बिल्डिंग की तरफ से। मैं ऊपर से भाई देखने लगा, यहाँ से एंगल मिल रहा था अच्छा खासा, और एक बंदा मेरे को अभी देखो स्पॉट होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे एक टाइम के लगा कि भाई बंदा बच गया, बट DP है भाई, DP मतलब कि जीरो रिकॉइल, तो बंदा मारा जाता है। यहाँ पे एक और किल हमको सिक्योर हो गया, उसके बाद मैं सी बिल्डिंग के आसपास आ जाता हूँ। मुझे लगा यहाँ पे और भी बंदे को, इसी बीच एक बॉट मिल जाता है पीछे की तरफ से। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और तभी मेरे को गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती। यहाँ पे देखना कि क्या सीन होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे ये वाला बंदा भाई उस बॉट को क्यों नहीं मारा मेरे को समझ में नहीं। बाकी अपने को क्या भाई, अपने को तो दोनों किल्स मिल गए, बॉट को भी मार दिया और बंदे को भी फिनिश करते। उसके बाद यहाँ पे लूट जैसे ही करता हूँ मेरे को एक और फ्लेयर गन मिली। मैंने बोला भाई एक तो BRDM मंगवानी है अपने को, दूसरे फ्लेयर गन से भाई ड्रॉप मंगवाते हैं, अच्छी खासी गन वगैरह लेके, Level 3 हेलमेट वेस्ट लेके जाएंगे और भी किल्स हमको ईजिली मिल जाएंगे, सोच के मैंने फ्लेयर गन मंगवाई। और फ्लेयर गन से गाइज मेरे को मिल जाती है AWM और AUG-A3। तो यहाँ पे अपनी लूट कंप्लीट हो जाती है, 6x वगैरह सब कुछ मिल चुका था अपने को। अभी मेरे को BRDM मंगवानी थी, मैंने जोन बनने का वेट किया, जोन जैसे ही बना मैं जोन के बाहर था, तो मैंने BRDM मंगवाई अभी फ्लेयर गन चला के यहाँ पे। और गाइस जब भी आप मिलिट्री बेस उतरो या फिर वहाँ पे हॉट ड्रॉप कुछ भी करो वहाँ पे जाके, और उसके बाद समझो आपने क्लियर कर दिया और आपको जाना है जोन के अंदर उस साइड, उस आइलैंड पे जाना है आपका, पोचिंग के साइड आपको जाना है, तो भाई ये ध्यान में रखना कि भाई ब्रिज कैंप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आजकल मैं हर बार देख रहा हूँ, हर बार जब भी मैं ब्रिज क्रॉस करने जाता हूँ कोई ना कोई बंदा भाई ब्रिज कैंप करके बैठता है। तो गाइज़ यहाँ पे भाई बंदे ने BRDM के ऊपर फायर लिया, मैंने सोचा भाई इसको तो क्लोज में जाके ही मारूंगा मैं, और गया क्लोज में, बंदे को फिनिश कर दिया। यहाँ पे गाइज़ मैं मर सकता था वैसे, अगर मैं प्रीफायर नहीं देता तो ये बंदा मेरे को मार सकता था, बट मैंने प्रीफायर दिया अच्छे से और बंदे को फिनिश कर दिया। बाकी गाइज एक दिक्कत आ रही है KR वर्जन में, वो ये है कि भाई बुलेट रजिस्टर ठीक से नहीं होती गाइज, मेरे को जब देखो प्रीफायर देना पड़ रहा है, अगर मैं प्रीफायर नहीं दूंगा तो भाई आगे वाला बंदा मेरे को मार देगा, ये कन्फर्म है गाइज, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं जोन में आ चुका था और यहाँ पे ड्रॉप पे आ चुका था, मैंने सोचा ड्रॉप पे बंदे होंगे वहाँ पे जाके अपन देखते एक बार, और एक बंदा भी मेरे को स्पॉट होता है, तो इस वाले बंदे को तो भाई आराम से हेडशॉट चिपका दिया और एक इजी किल हमको मिल जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ ड्रॉप था और वहाँ पे व्हीकल वगैरह भी दिखाई दे रहे थे, मैंने सोचा वहाँ पे जाएंगे और एक हाथ किल निकल सकता है तो जाके अपन निकालने की कोशिश करेंगे, ये सोच के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी देर तक मैंने पोजीशन होल्ड की, कोई किल नहीं मिला मेरे को, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे मैंने होल्ड किया। अभी देख सकते हो गाइस 15 ही बंदे आ रहे थे। अभी यहाँ से गाइस मैं तुमको सीधा लेके जाऊँगा एंड सर्कल में, जहाँ पे देखना कि कैसी फाइट्स होती है।
तो गाइज अभी मैं रोटेशन कर रहा था एंड सर्कल में, देख सकते हो कि सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है और यहाँ पे ये वाला ट्रैक्टर जो है ये मेरे को सही लगा। मैंने सोचा यहीं पे अपन थोड़ी देर होल्ड करते हैं। और इसी बीच गाइज मेरे को ओपन घास में एक बंदा स्पॉट हो जाता है लेटा हुआ, जो कि रेंग रहा था यहाँ से, मतलब ऐसे ही रोटेशन कर रहा था वो सर्कल के बीच में। और मैंने सोचा भाई उसको AWM से हेडशॉट देते अपन। तो गाइस यहाँ पे बंदा भाई रेंग रहा था इधर उधर, तो भाई शॉट मिस हो जाता है और उसके बाद वो बंदा भाई एकदम से गायब हो गया, वहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। फिर BIDM से मैं गेट इन करके एक और बार देखने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे को उसकी लोकेशन तो पता चल चुकी थी, बट वो बंदा पीक नहीं दे रहा था, उसके पैर मेरे को दिखाई दे रहे थे। उसके बाद होता क्या है कि एक बंदा AWM का शॉट चलाता है, मतलब AWM चलाता है, उसके बाद वो बंदा भाई थोड़ा सा पीक देगा, देखना। और जैसे ही भाई बंदे ने हेड दिखाया उसको हमने फिनिश कर दिया। यहाँ पे अपने 8 किल्स हो चुके थे, अभी जोन आने का टाइम आ चुका था और मैं सोचता कि यहाँ से अपन जोन में आराम से पहुँच जाएंगे, आगे वाला हाउस पकड़ेंगे, ये मेरा प्लान था, बट देखना कि क्या होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे भाई BIDM अपनी पूरी जल चुकी थी, मैं BIDM से उतर जाता, अगर थोड़ी देर और रहता तो शायद से मैं मारा जाता। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि BIDM के जलने का साउंड सुनाई दिया, अगर ग्लोबल रहते तो गाइस ग्लोबल में कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देता, इसीलिए गाइस मेरे को KR खेलना पड़ रहा है। और बाकी गाइस अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर मतलब फंस चुका था यहाँ पे, अभी मेरे को निकलना था जोन के लिए और उस सामने वाले बंदे को भी, उसको भी निकलना था जोन के लिए। पहले मैंने स्मोक किया यहाँ पे और देखना वो बंदा मेरे को सामने की तरफ स्पॉट होगा अभी। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा लेट फायर किया इसलिए वो बंदा बच जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले बंदे का जस्ट मेरे को हेड दिखाई दे रहा था और मैंने स्प्रे लिया, बंदा हो जाता है फिनिश। उसके बाद वो जो बंदा था, जो पीछे वाला बंदा था, वो था टावर के ऊपर चढ़ा और वो था कवर के अंदर और जोन भी अभी के लिए उसके पास था। और यहाँ पे गाइस मेरे को लगा कि भाई मैं अभी फंस चुका हूँ क्योंकि मेरे पास स्मोक नहीं है आगे जाने के लिए और पूरा ओपन है, अगर मैं ओपन में जाऊँगा तो वो बंदा तो भाई आराम से मेरे को मार देगा, इसलिए मैंने सोचा अभी के लिए यहीं पर लेट जाते, बस रैंकिंग लाने की कोशिश करते, अगर मौका मिले तो उस बंदे को भी मारेंगे, ये मेरा प्लान था, बट देखना यहाँ पे क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे अपना गेम हो जाता है फिनिश, अपना रैंक आता है यहाँ पे 3rd और यहाँ पे और कुछ किया नहीं जा सकता था, गाइज मैं कंप्लीटली फर्स्ट चुका था। और बस गाइज आज के लिए बस इतना ही, और गेम प्ले पसंद आया तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पे जो भी नए हो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।